रिकी, जैसा कि आप सबको पता है, इट्स अ यूनिवर्सल एनर्जी, सब जगह व्याप्त होती है। अब यूं तो एनर्जी हमारी बॉडी में भी होती है, हमारा बॉडी एनर्जी से परिपूर्ण होता है, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है हमारी बॉडी की एनर्जी कम हो जाती है, और उस समय रेकी हीलिंग हमारी बॉडी को एनर्जी देती है और हम हील अप होते हैं। अब हमारी बॉडी एनर्जी कम होने के बहुत सारे कारण होते हैं, हमारे पास कार्मिक अकाउंट्स होते हैं, हमारी नेगेटिविटी होती है और बहुत सारे कारण होते हैं। अब इस बात पर अगर हम चर्चा करें तो ये बहुत वास्ट टॉपिक है, इस पर हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। आप अपने कमेंट्स हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगर आपके कमेंट्स ज़्यादा आते हैं तो मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगी। अब हम चर्चा करते हैं एनर्जी की। हमारी बॉडी एनर्जी से परिपूर्ण होती है, जब इसकी लैकिंग होती है तब रेकी हीलिंग वो लैकिंग्स पूरी कर देता है। अब ये लैकिंग्स कमी, चाहे आपकी मेंटल लैकिंग्स है या फिर फिजिकल है या और दूसरी है, जैसे फिजिकल कमियां हमारे शरीर में कोई किसी भी तरह की बीमारी हो जाती है, गठिया, बाय, कैंसर या और किसी किडनी प्रॉब्लम है, आपकी पाइल्स प्रॉब्लम या बॉडी में नहीं बॉडी प्रॉब्लम कुछ भी हो जाती है, वो प्रॉब्लम हमारी क्यों होती है? क्योंकि उस जगह एनर्जी की कमी हो जाती है। तो रेकी का काम होता है उस जगह एनर्जी देना, ताकि उस जगह की एनर्जी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाए, तो एनर्जी पूरी हो जाती है और वो प्लेस हील अप हो जाता है। इसी के साथ मेंटल लेवल पर भी एनर्जी काम करती है, जैसे डिप्रेशन होना, माइग्रेन होना या मेंटल एनी प्रॉब्लम। आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं किसी भी जॉब के लिए, तो उस समय आप सोचते हैं एनर्जी की कमी, आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए और ज़्यादा एनर्जी उसमें आपको डालनी है, तो आप एनर्जी दीजिए, आप हीलिंग करिए उस जगह के लिए। आप देखेंगे कि आपका इंटरव्यू बहुत ज़्यादा पहले से बहुत ज़्यादा बेटर हुआ। आप कहीं जमीन जायदाद के लिए, आपका कहीं कोई जमीन जायदाद का कोई केस है, कोई कोर्ट कचहरी का केस है, किसी ने आपका पैसा हड़पा हुआ है, उसको आपको निकलवाना है, हस्बैंड वाइफ रिलेशन, या फिर आप एग्जाम देने जाते हैं, आपका एग्जाम अच्छा हो जाए, आपने बहुत कुछ लर्न किया है लेकिन वो आपके माइंड में एक साइड पड़ा है, उस समय एग्जाम देते समय आपको याद नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आपने रेकी हीलिंग की है तो आप उस समय वो सब कुछ रिकॉल कर लेते हैं जो आपने पढ़ा हुआ होता है। इसी तरह से रेकी हीलिंग बहुत जगह काम आती है। आप जगह जगह, आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, आप हर एक जगह आप रेकी हीलिंग दे सकते हैं। आप किसी से कोई बात करने जा रहे हैं, आप चाहते हैं आप शांति से बात करें, पता नहीं सामने वाला उसको कैसे रिएक्ट करेगा, आप ऐसे में आप डरते हैं, आप ऐसे में हीलिंग देकर जाइए, एनर्जी इंक्रीज करके जाइए, आप देखेंगे आपकी बातचीत बहुत शांति से हो गई, बहुत कूली, कुछ पता ही नहीं चला। इसी तरह से हर एक बात में रेकी काम करती है। इट्स ओनली एनर्जी, एनी पर्सन कैन लर्न इट। इसमें कोई एज, कोई शरीर, किसी भी चीज़ का बाउंडेशन नहीं होता, कोई भी इंसान सीख सकता है। इसीलिए मैं ये चाहती हूँ हर एक इंसान रेकी ज़रूर सीखे। ये बिल्कुल मुश्किल नहीं होता है, इसके लेवल्स होते हैं, एटलीस्ट फर्स्ट लेवल तो आप ज़रूर सीखें, अपना और अपने परिवार का, अपने इर्द गिर्द हर एक इंसान का आप अच्छा कर सकते हैं। इसी के साथ रेकी बात, जय हिंद। बिंदु अग्रवाल को इजाज़त दीजिए, नमस्कार।